साक्षी सिंह वैदिक टीवी में आपका स्वागत है। हर चीज के पीछे एक मौलिक कारण होता है जो कि इंसान के जीवन से जुड़ा होता है, फिर चाहे वो हाथों की लकीर हो या कोई कर्म। परंतु इन चीजों के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान की सेहत और सुख से जुड़ी होती हैं। आभूषण, जिसका शौक हर महिला को होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि शरीर के हर अंग के लिए सोने के आभूषण बनते हैं, परंतु पैरों के लिए सोने की कोई चीज नहीं बनती? क्यों मांग टीके के बिना शादियां नहीं होती? आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। श्रृंगार का क्रम सिर से शुरू होकर पैरों तक पहुंचता है। दरअसल वेद के प्रत्येक अंग के अनुसार सोना संसार के प्रधान शासक श्री विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए स्वर्ण आभूषण नाभि से ऊपर शरीर के ऊपरी भाग में ही धारण किए जाते हैं। दूसरी ओर मांग टीका, जिसके बिना ना ही हिंदुओं और ना ही मुसलमानों की शादी होती है। वेदों के अनुसार महिलाएं जब भी श्रृंगार करें तो वो सबसे पहले मांग टीका धारण करें। वो इसलिए क्योंकि यह पति द्वारा प्रदान किए गए सिंदूर का रक्षक होता है। पुरुष महिला की मांग में तिलक लगाते हैं जहाँ टीका लटकता है, इसलिए इसका नाम मांग टीका है। कुछ और अद्भुत चीजें जानने के लिए बने रहिए वैदिक टीवी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।